वेलकम टू माई व्लॉग चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसी ट्रेन से अलीगढ़ आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ जंक्शन आ चुका है और भाई का एग्ज़ाम है। अभी कितना टाइम हो रहा है, 2 बजे के आसपास हो रहा है। तो दोस्तों, सुबह एग्ज़ाम हमारा 9 बजे है, लेकिन हम 2 बजे पहुँच चुके हैं स्टेशन पर। अभी हमारी रात यहीं पर कटने वाली है। अब हम खाना खाने के लिए थोड़ा बैठेंगे और इसके बाद थोड़ा पढ़ने बैठेंगे थोड़ा, क्योंकि पढ़ाई पहले तो कुछ करना है, तो पहले पढ़ना भी तो ज़रूरी है उसके लिए। तो इसके फंक्शनिंग जो है उसके लिए आया हूं, तो कर आप रोशन भाई का एग्ज़ाम है, वो बताएगा कि प्रिपरेशन कैसी। भाई रोशन भाई, भाई देखो प्रिपरेशन पूरी है, बाकी रही बात अपना पूरा बैच देकर के आना है और एक सीट हमारे नाम की फिक्स है, सीधी सी बात। रोशन भाई इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि वो कह रहे हैं कि एक सीट तो पक्का है, और आप भी उसके लिए बेस्ट ऑफ लक विश जरूर कर रहे हैं कि ताकि उसको लेकर के जाइए। हम अब इतनी दूर आए हैं भाई कि दिल्ली, हम नोएडा से अलीगढ़ तक आ चुके हैं, तो क्यों ना भाई एक सीट रिजर्व जरूर करके आए। और सभी के सभी रोशन भाई को एक बेस्ट ऑफ लक विश जरूर करें ताकि रोशन भाई का एक सिलेक्शन जरूर हो सके AMU यूनिवर्सिटी में। तो रोशन भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? तो बस पहुँचेंगे, फाड़ के आ जाना पेपर बिल्कुल। नहीं भाई, फाड़ना नहीं है, फाड़ के तो नंबर कहाँ से मिलेंगे, करके आएंगे। अच्छा, करके आने के आने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब स्टेशन से बाहर आ गए। स्टेशन से बाहर का माहौल है ये, देखिए रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है अलीगढ़ में कि अभी भी दिन ही हो रहा है। सारी दुकानें खुली हुई हैं, अभी भी बहुत सी दुकानें। ये हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके हैं और अभी का टाइम जो है वो करीब 3 बज रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम का जो व्यू है वो क्या है। यहाँ पे बस कुत्ते रो रहे हैं। रोशन भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, आपकी क्या टिप्पणी है? टिप्पणी अच्छी नहीं है वाला। आपको क्या पॉइंट इज गेट, आपको क्या रिव्यू मिला वहाँ पे चाय वाली टपरी पे? क्या? और हम सोच रहे हैं कि भाई हम ही निकले हैं क्या इतने रात को, या किसी और की हिम्मत नहीं हुई? वो बात तो चलो ठीक है, हिम्मत हुई ना हुई, तो हम ये सोचे कि साला हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई रे। गट्स है हमारे अंदर, गट्स फीलिंग है। देखिए क्या सीन है इस टाइम का, क्या सीन है। आप क्या देना चाहेंगे रिव्यू वहाँ के जो बच्चे हमें अभी जो गाइडेंस दिए वहाँ के लोग जो भाई? सीधी सी बात ये है कि क्या आप किसी को प्रेफर कर रहेंगे यहाँ पे? नहीं, अगर आप यहाँ आते हैं तो सीधी सी बात तो यही है, 5 बजे से पहले रेलवे स्टेशन ना छोड़े, क्योंकि हम तो आ गए, आपका पता नहीं। अभी हम AMU यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस के अंदर आ चुके हैं और अभी भी हमारी जर्नी जारी है, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है। करीब अभी हमें 1 किलोमीटर के अराउंड चलना है। सो वहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट आने वाला भाई? रोशन भाई आपका यहाँ पे सेंटर पड़ा है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स का वहाँ पे सेंटर है, और बस अभी इतना ही, बाकी की मैं आगे बताता हूँ आपको पहुँचने के बाद वहाँ का। इतनी खुशी थी कि सबसे पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये देखिए यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और यहाँ पर रोशन भाई का एग्ज़ाम है, और अभी हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है। रोशन भाई तो अपना जगह ढूंढ चुके हैं, और हम अभी रोशन से भाई से अपना वो लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। सो रोशन भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? डिपार्टमेंट सामने है जिसमें एग्जाम होना है, एग्जाम देंगे बस, और उसके बाद और अब तक हमारी खर्च हुई है उसको रिफिल करना होगा, तो आसपास वो भी कहीं ढूंढेंगे। रास्ते का आपका क्या कहना है, रास्ते का कैसा रहा सिचुएशन भाई? रास्ते का तो मैं फिर से वही बोलता हूँ, इट्स माय सजेशन कि अगर आप आते हैं यहाँ तो लगभग 5 या 6 बजे के बाद ही आए, क्योंकि उससे पहले अगर आप आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे सड़कें मिलेंगे ना जिसमें आपकी चलने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हमारी नहीं हुई थी। हालांकि हम
टाइमिंग ठीक थी जिस टाइम हम निकले, बट फिर भी क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बारिश होने वाली है, तो इस टाइम पे जो अंधेरा है ना वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरा ख़त्म हो गया हो, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि बीच में, और आसपास के जो मतलब लोग थे वो भी कहीं पे भी सोए हुए थे, तो जो कि और हमें भयभीत कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि क्या बोलें, देर इज़ नो एनी टॉक टू, तो वही चीज़ है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत बेटर है, इवन कैंपस भी बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री जब इसकी पढ़ी थी तो इसके अकॉर्डिंग एक कैंपस बहुत बड़ा है, और इस कैंपस में मेरे को लगता है आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने में अच्छा खासा समय लग सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से यहाँ तक आने में लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है, और आपको लगभग पैदल अगर आप आते हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट आपके लग सकते हैं, तो बाकी तो आपकी चॉइस है और आप वीडियो में देखते आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। भाई अब जा चुके हैं और हम अब अपनी दोनों बैग को लेके आराम से अब एक जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हम आराम से अपना बैठ सकते हैं, ठीक है। और एक जगह हमें मिल चुकी है, बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है, जहाँ पे टेबल लगा हुआ है, और वहीं पे भी हम थोड़ा विश्राम करेंगे आराम करेंगे, कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, ठीक है, तो वहीं पे थोड़ा हम अब आराम करेंगे। तो दोस्तों एक पार्क आ गया है, ठीक है, अब हम बस बैठने ही जा रहे हैं और बैग को थोड़ा रखते हैं। दूसरी बैग को भी रखा, अब थोड़ा हमने आराम ले लिया है और रोशन भाई ने अपना सारा सामान ले चुका है। अभी हम AMU यूनिवर्सिटी में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था आए थे एग्ज़ाम देने, और यहाँ पर देखा कि कैसे सब एंट्री लिए और कितनी कैसे कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी जो मैं हूँ वो मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक पार्क में, बताया कि हम सो नहीं पाए, आज पूरी रात जगे हुए रहे हैं, अब इसके बाद देखते हैं कि अगला प्लान क्या है, जब आफ्टर 2 hours and 3 hours 2-3 घंटे बाद अब हम जब रोशन भाई से मिलेंगे तो वो हमारे ब्लॉग में शामिल होंगे और वो अपना रिव्यू देंगे कि कैसा एग्ज़ाम था, ठीक है, क्या क्या पैटर्न आया, तो वो सब चीज़ आपको अपने उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है पहले तो आप कमेंट करिए यार, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो पहले तो वीडियो को, तभी तो आगे की ब्लॉग देखने में थोड़ा मज़ा आएगा, कैसे होती है जर्नी, ठीक है, हर एक IAS ऑफिसर या कोई भी एस्पिरेंट की जो जर्नी होती है वो किस तरीके से होती है, ये तभी तो हम जान पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक एस्पिरेंट की लाइफ को फील कर सकते हैं आप यहाँ पे, और बहुत ही साफ़ सुथरा है यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आराम फरमाऊँगा मैं यहाँ पे क्योंकि पूरी रात जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सो नहीं पाए हैं, ख़त्म हो चुका है और सारे कैंडिडेट्स बाहर आ रहे हैं। ऐसे बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए, और भी मज़ेदार व्लॉग्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।